कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि हारने के बाद तुम पीछे ना हट सको। कॉन्ट्रैक्ट के इन पेपर्स पे ये लिखा है कि जब विक्रांत ये चैलेंज जीत जाएंगे तब तुम्हारे होने वाले बच्चे को विक्रांत के हवाले कर दोगे। कानूनन सारे अधिकार विक्रांत के नाम कर दोगे और अपने बच्चे के आसपास भटकोगे भी नहीं। और अगर चलो मान लेते हैं गलती से तुम जीत जाती हो तो विक्रांत ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो चलो ये पेन उठाओ और साइन कर दो। क्या लगता है बीवी जी, साइन करेगी गुड्डन? साइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है उसके पास। वो भी है। लो जी, मुबारक हो। गुड्डन ने अपनी बर्बादी पर साइन कर ही दिया। हमने तो साइन कर दिया दुर्गा जी, आपके बारे में। कल तैयार रहिएगा सासू माँ। पहले अपनी बेटी हारी ये, और फिर अपना घर परिवार और मकान हारा, और अब जो है भी नहीं उसे हारने जा रही। कल अपने आंसू अपने साथ लेकर आइएगा, टिश्यू बॉक्स का जुगाड़ ये आपका तमाद कर देगा। पता है विक्रांत, हमने ना बचपन में एक चीज सीखी थी, कैसे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें ना बहुत बारीक सी लकीर होती है, पर हमें लगता है तुम आज तक नहीं सीख पाए। नहीं समझे ना? पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताते हैं कि जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कल तुम्हारा सारा का सारा खेल ओवर कर देगा। क्योंकि हम तो हैं गुड्डन, हम हर ओवर में तुम्हें कह के तोड़ेंगे। क्या है ना, तीन चीजें यानी कि एक्टिंग में, क्रिकेट में और तुम जैसे टेढ़े लोगों को तोड़ने में गुड्डन ना बहुत माहिर है, तो तुम तैयार हो जाओ। वो तो मैदान में हम कल तुम्हें बताएंगे। असली हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है दुर्गा बहू। तो मिलते हैं कल मैदान में। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं श्री भूषण गुप्ता, फादर ऑफ गुड्डन अक्षत जिंदल, आज के इस अद्भुत खेल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूं तो हर क्रिकेट मैच के तीन ही नतीजे होते हैं, हार जीत या फिर बेनतीजा यानी कि टाई। लेकिन आज के इस अद्भुत खेल में जो कि टीम गुड्डन और टीम विक्रांत के बीच में खेला जा रहा है, और इस मैच में सिर्फ हार और जीत ही नहीं बल्कि कुछ लोगों की जिंदगियां भी दांव पर लगी है, तो आइए आप देखते हैं टीम विक्रांत टीम गुड्डन को हरा पाती है या नहीं। तो आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं जो है इस खेल का एक अहम किरदार, हार जीत का फैसला देने वाला अंपायर, जिनसे मुझे छोड़कर और कोई नहीं डरता। द लव ऑफ माई लाइफ, मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी कौशल्या जी।
अब अंपायर साहिबा फील्ड पर आ चुकी हैं पिच का मुआयना करते हुए। अब देखना ये होगा कि हवा का रुख जो है वो किसके तरफ जाता है, टीम गुड्डन के तरफ या फिर टीम विक्रांत के तरफ। चलिए अब हम स्वागत करते हैं जोश और जुनून से भरी टीम विक्रांत का और सकारात्मक उत्साह से भरी टीम गुड्डन का। मैच 5 ओवर्स का खेला जाएगा, टॉस होगा और जो कैप्टन टॉस जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि वो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं या बैटिंग। तो चलिए टॉस की तरफ चलते हैं। ओवर टू द एम्पायर। कैप्टन, चाहिए? कैप्टन को बुला रहे हैं गुड्डन, गो अहेड। एक बुढ़ी, एक बच्ची और एक लक्ष्मी जिसको अपना ही होश नहीं, ये क्या मैच जीतेंगे? अरे भाई, ये गुड्डन की टीम ना 5 ओवर क्या 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, देखना। बिल्कुल सही कहा तुमने। हेड्स। विक्रांत आप टॉस जीते। वाह, ये बैटिंग! हरी, ये क्या हो गया? अभी तो गेम शुरू हुआ भी नहीं और हार का दौर शुरू हो गया। गुड्डन, चाहे कुछ भी हो जाए हमें घबराना नहीं है, जीत हमारी ही होगी। ठीक काम है आपने, जीत हौसले से होती है, ताकत से नहीं। पहले हमारी टीम बैटिंग करेगी। चलो चलो चलो। अरे चुलबुली, उस सॉरी सासू माँ, संभाल के रखना इसे। मैच हारने के बाद इसी सिक्के की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी पूरी टीम को। डोंट वरी गुड्डन, सिर्फ टॉस हारे हैं, मैच अभी पूरा बाकी है। भरोसा है ना तुम्हें गुड्डन कि हम दोनों से अपने दोनों बच्चों को बचाना हो पाएगा? तो बस अब इस भरोसे की ताकत का हम इस्तेमाल इस गेम को जीतने में करेंगे पूरी तरह से। चलिए हम सब अपना अपना काम बांट लेते हैं। माँ जी, विकेट कीपिंग आप करेंगे हा? क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से संभाल लेंगे हमें पता है। और बाकी भागा दौड़ी का काम आप हम पर सौंप दीजिए, हम लक्ष्मी बहू और अलीश अच्छे से संभाल लेंगे, है ना? जी सासू माँ। और जिंदल साहब, खेल की शुरुआत आप करेंगे। पकड़े, यानी कि पहला ओवर आप डालेंगे। तो सब तैयार है ना? जी, यस यस, सब लोग बहुत अच्छे से खेलेंगे। आज हम सबको बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट खेलना, जो आज तक कभी नहीं खेला माँ जी। आपको याद है? हाँ माँ जी, आप भी खेलती होंगी ना, गलियों में ऐसे जब सब कुछ भूल के हम सिर्फ खेलने के लिए खेलते थे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रोक टोक के, सब भागते दौड़ते। आज हम सबको वैसे ही खेलना है माँ जी, आज हम दिखा देंगे कि हमारी टीम बेस्ट। So come on guys, best of luck. Yes. Let's go for team Gooddan. Yes. Yes.
जिंदल साहब क्या सोच रहे हैं, जाइए ना। वॉलिंगटन डालोगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम जाइए जिंदल साहब प्लीज। गुड्डन, तुमने मुझे इसलिए चुना ना क्योंकि तुमको मुझ पर भरोसा है। इनफैक्ट मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है गुड्डन, इसलिए पहला ओवर तुम ही डालोगे। तुम विक्रांत को हराना चाहती हो तो बस गो अहेड एंड बीट हिम, तुमसे हो पाएगा गुड्डन, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। और जिंदगी की हर लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है गुड्डन, बॉल तुम डालोगी। जिंदल साहब आप हमेशा ऐसे हमें इमोशनल कर देते हो ना, अगर दुनिया में हर पति अपनी पत्नी पर ऐसा भरोसा दिखाए ना जैसा आप अपनी गुड्डन पर दिखाते हैं, तो हर पत्नी उस हौसले से हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकती है। थैंक यू जिंदल साहब, अब देखिएगा हम आपके इस भरोसे को और हम दोनों को कैसे जीत हासिल कराएंगे। बेस्ट ऑफ लक गुड्डन। हमारा लक आप ही है, और आपको पता नहीं है बात पता है कि नहीं, पर आप इस दुनिया में बेस्ट हैं, बेस्ट पति। थैंक यू। लेट्स गो गुड्डन, कम ऑन, हरी अप। रेवती ऑल द बेस्ट, विक्रांत ऑल द बेस्ट। गो रेवती गो। टीम गुड्डन अपने पोजीशंस के साथ रेडी हैं, तैयार हैं पूरी तरह से, और यहाँ टीम विक्रांत अपने ओपनिंग बल्लेबाज रेवती के साथ खुद कैप्टन विक्रांत मैदान पर हाजिर हो रहे हैं। दादी थोड़ा संभल के, जोड़ों और कमर में लचक ना आ जाए। ओए तू अपनी फिक्र कर, जब तू पैदा नहीं हुई थी ना तब से विकटें उड़ा रही हूँ। हाँ जीत जाएंगे, टेंशन नहीं है। थोड़ा संभल के खेलना, कोई जल्दी नहीं, अपना विकेट बचा के रखना, बाकी सब मैं संभालू। ठीक है, क्या गुड्डन तुमसे नॉर्मल काम तो बिना गलतियों के हो नहीं पाते, ये बॉलिंग कहाँ से करने चल पड़ी तुम? हम ये सोच रहे हैं चुटकी कि तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भर चुका है कि तुम्हें बचपन की एक भी याद याद नहीं है। हाँ? भूल गई सबका सब, जब वो हमारी ट्रॉफीज के साथ ऐसे ऐसे पोज बना बना के फोटोज खिंचवाती थी, सब भूल गई। कोई बात नहीं, हमें याद दिलाना भी नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हें एक बात याद दिलानी है चुटकी। देखो ये तुम्हारी टीम की हार तो पक्की है, अब बस देखना ये कि हार बुरी होगी या बहुत ही बुरी। चलो वो तो मैच खेल के पता चलेगा। ये क्या देख रहे हैं हम, दोनों बहनों में टेंशन जारी, मैच से पहले गर्मा गर्मी का माहौल, खिलाड़ियों का तापमान बढ़ता हुआ, और कैप्टन विक्रांत आंखों में ज्वाला लिए, दिल में बदले की भावना लिए बैटिंग करने के लिए तैयार। Come on guys! दामाद जी अपनी टीम का पूरा हौसला बढ़ाते हुए और गुड्डन अपने जोश और आत्मविश्वास के साथ पहली बॉल फेंकने को तैयार। विक्रांत अपने टीम को जोरदार शुरुआत दिलाते हुए। क्या गुड्डन कैसा रहा? बैटिंग टीम के कैंप में खुशी की लहर दौड़ती हुई, पहली बॉल पर अटक करके विक्रांत ने अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन टीम गुड्डन आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गुड्डन की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग ने विक्रांत को चकमा दे दिया और साथ में दादी माँ को भी। अरे दादी थोड़ा तेजी से फेंको। विक्रांत और रेवती इस मिस फील्ड से बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम गुड्डन में चिंता का माहौल है। Oh!
आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गुड्डन। हर एक बॉल के साथ हर एक चीज का बदला लूंगी मैं तुमसे। चुटकी लगते की ना तू भूल गई। आज तक तो इसलिए जीतते आई क्योंकि तू अपनी बड़ी बहन की टीम में होती थी, पर अब तो तूने टीम बदल ली है। हर अफसोस सब क्योंकि तू हमारे दुश्मन की टीम में है, तो तुझे भी हार का मजा तो चखना पड़े। देखते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को टशन देते हुए बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है हमें, और ये गुड्डन बॉल के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई। पहले ही ओवर में गुड्डन ने रेवती को आउट करके ये साबित कर दिया कि उससे सब कुछ हो पाता है। टीम विक्रांत के हंसते खेलते चेहरे पर मायूसी का आलम। एक बहुत ही बड़ा टोटल खड़ा करने से पहले टीम विक्रांत टूटे टूटे हो गया, और टीम गुड्डन इस कामयाबी से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे चुकी, तेरी गेम में हार के नाराज होने की आदत गई नहीं ना? मैंने कहा था ना रेवती, गुस्से में मत खेलना। वो गुड्डन कोई अनाड़ी नहीं है। वो तुमने ना अपनी बेवकूफी में पूरी टीम का नुकसान कर दिया। एक मिनट सरू। हाँ? अब नेक्स्ट तुम जाओगी, और सुनो ध्यान से सुनो। हाँ। मैंने जैसे कहा है वैसे करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। दुर्गा दी आप बेफिक्र रहिए, मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5 करके मैं स्कोर बनाऊंगी, आप लोग देखते रह जाएंगे। ये रेफ्टी की तरह नहीं जो एक बॉल में आउट नक नक रख दी मेरी। अरे बीबी जी क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है, आपने अच्छा खेला, बस आज उस गुड्डे ने कुछ ज्यादा ही अच्छा खेला। कोई एक करो पानी, अरे पानी फेंक दिया। अरे होता है कभी कभी ऐसा। अब देखना मेरी बहना क्या कमाल करेगी, है ना बहना? कमाल करोगी ना? ये हुई ना बात मेरी शेरनी। ठीक है ना, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं मंगाया आपके लिए माँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम फिट हूँ। वो देख सरू आ रही है। यस, जैसे तूने रेवती को खड़काया ना, ऐसे सरू को भी खड़का दे, मजा आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप देखिएगा इस पूरी टीम के कैसे छक्के छुड़ाते हैं आपके गुट्टे। मुझे तो तेरी जीत चाहिए बेटा, मुझे मेरे घर की खुशियां दे दे बस। चलिए गाइस कम ऑन बैक टू योर पोजीशन। चलिए चलो मैं जीत के आऊंगी। यस यस। अरे सुनो, हां आशीर्वाद तो लेकर आ। चिसकेला। यस। अब मैदान पर आ रही है टीम विक्रांत की दूसरी बैट्समैन सरस्वती बहू। अब देखना यह है कि जिस तेजी से वो अपनी जुबान चलाती है उतनी तेजी से रन बना पाती है कि नहीं, या फिर रेवती की तरह पहली बॉल पर गुड्डन का शिकार बन जाती है। ज्यादा चलाकी मत करना ठीक है, बॉल को बस छू के भागना। छू के भागना? अरे विक्रांत जी कैसी बात कर रहे हैं, शांति बनाइए, मैं खेलती हूँ। बड़ी गेम तुमसे संभाली नहीं जाएगी, जितना कहा है उतना करो। और ये टीम विक्रांत सरस्वती जी को तंत्र मंत्र मतलब गुरु मंत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड्डन ने बहुत ही तेजी से बॉल फेंका और सरस्वती बहू ने जोरदार शॉट लगाया, और ये बॉल हवा में। अब देखना ये है कि फील्डर जो है नीचे लक्ष्मी जी को पकड़ पाती है कि नहीं। लक्ष्मी जी कैच, और ये पकड़ लिया आउट। आउट। आउट हो गए सरस्वती बहू, और लक्ष्मी जी इस बार भी गुड्डन का साथ देते हुए एक विकेट चटका लिया, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। ये लो, देख लिया तुम्हारी बहना ने पहली बॉल पे आउट हो गई, बड़ा टशन मार रही थी। तुमने तो आग लगा रखी है, नहीं ओवर में 2 विकेट्स। अच्छा सुनो, तुम भी जरा ध्यान से खेलना, पता चले पहले ही बॉल पे आउट होके बैक टू पवेलियन। अरे बीबी जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस मैच के लिए कितना प्रैक्टिस किया मैंने पता है तुम्हें? मुझे आउट करना इस गुड्डन से ना हो पाएगा। yeah!
सेकंड में वापस आ गई तुम सर। चुप रहोगी? तुमने देखा था कैसे खेल रही है वो? बॉल तो ऐसे फेंक रही थी जैसे फुटबॉल खेल रही है। यहाँ पे क्रिकेट मैच नहीं, फुटबॉल मैच चल रहा हो। अरे वो तो मैंने सोचा बल्ला उठा लिया ना, मेरा मुंह फूट गया होता। अरे मैं बोल रही हूँ वो गुड्डन जीतेगी, हम लोग हार जाएंगे। अरे बहना, हारते तो हम तब जब मेरे पास ये बैट ना होता। ऐसा क्या है इस बैट में जो तुम्हें जिता देगा? तुम्हें नहीं, हमें। यही बैट है जो हमें जीत दिलाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक स्पेशल स्प्रिंग लगवाई है। स्प्रिंग जिससे बॉल इसे छूते ही भागेगी नहीं बल्कि उड़ेगी। अब होगा गुड्डन का गेम ओवर।